हेलो स्टूडेंट्स, कपल चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो है हमारा। अगला टॉपिक है बलयुग्म के लक्षण, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कपल। ये भी बहुत एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है ना, कि इस कपल से देखिए एक ही क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, ठीक। अब 5 नंबर में क्या पूछ सकता है, जितना ये नोट्स बना है इसके अंदर ही आपका एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बलयुग्म के लक्षण, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कपल, ठीक। पहला पॉइंट, पहला लक्षण देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि किसी भी बलयुग्म के बलों का परिणामी घूर्ण सदैव बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर और उसी दिशा में होता है, ठीक। किसी भी बलयुग्म के बलों का परिणामी घूर्ण, किसी भी कपल के बलों का परिणामी घूर्ण, रिजल्टेंट मोमेंट, सदैव बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर और उसी दिशा में होता है, जैसा कि हम बलयुग्म के परिणामी घूर्ण में हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं, ठीक। यहाँ पे एक फोर्स था पी इंटू ए सी, एक कपल था जिसका रिजल्टेंट मोमेंट क्या आया था, पी इंटू ए सी। अब हम रिजल्टेंट मोमेंट की अगर बात करते हैं तो वो किसी भी पॉइंट पर, ए पर लीजिए, बी पर लीजिए, वो पी इंटू ए बी साइन थीटा पी इंटू ए सी आएगा। हर पॉइंट, हर किसी भी पिन पॉइंट पर लेंगे तो वो उसका मान कांस्टेंट आएगा, पी इंटू ए सी या पी इंटू ए बी साइन थीटा। तो पहला पॉइंट है, यानी ये क्वेश्चन बना के भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए किसी भी बलयुग्म के बलों का परिणामी घूर्ण सदैव बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर और उसी दिशा में होता है, ठीक है। तो इसको अगर ये प्रूफ में आता है तो बलयुग्म का परिणामी घूर्ण प्रूफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, बलयुग्म का प्रभाव केवल घूर्णन गति कराने का ही होता है, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी कि ये भी एक थ्योरम के रूप में पूछ सकता है, ये भी एक डेरिवेशन के रूप में पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए बलयुग्म का प्रभाव केवल घूर्णन गति कराने का ही होता है। यानी कि जो हम लोग पढ़े हैं कि बलयुग्म का, एक बलयुग्म का परिणामी आर इज इक्वल टू जीरो, इसको प्रूफ कर दीजिएगा तो इसका भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पूछता है कि बलयुग्म के लक्षण बताइए, तो ये 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट आपको लिख देने हैं। लेकिन अगर प्रूफ करने के लिए पूछता है तो आपको अलग से डेरिवेशन करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, किसी भी बलयुग्म को एक दूसरे बलयुग्म से ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है। हम पीछे बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि किसी भी कपल को एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको या तो एक मोमेंट से रिप्लेस करेंगे या फिर एक अदर बलयुग्म से, अदर कपल से रिप्लेस किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है कि किसी भी बलयुग्म के आघूर्ण का मान तथा दिशा स्थिर रखते हुए, ठीक, बलयुग्म के बलों का मान तथा दिशा बदला जा सकता है, ठीक। यानी किसी भी कपल के, किसी भी कपल के मोमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रखते हुए, मेंटेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कांस्टेंट ऑफ मोमेंट ऑफ ए कपल, बलयुग्म के बलों का मान तथा दिशा बदला जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे, जैसे देखिए 10 न्यूटन का एक फोर्स है और आर्म ऑफ कपल 3 है, तो इसका मोमेंट क्या आ जाएगा, 10 × 3 यानी 30 न्यूटन × मीटर, और डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। ऐसे ही हम इसको, हमको कांस्टेंट रखना है, 30 न्यूटन जो हमारा आ रहा है उसको कांस्टेंट रखना है, बाकी फोर्स चेंज कर देंगे, आर्म ऑफ कपल चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने 10 की जगह पर 6 ले लिया और 3 की जगह पर 5 ले लिया, तो भी हमारा रिजल्टेंट मोमेंट क्या आएगा, ठीक, 30 न्यूटन ही आया, 30 न्यूटन × मीटर ही आएगा। यहाँ पे फोर्स का मान 15 कर दिया, आर्म ऑफ कपल का मान 2 कर दिया, तो भी हमारा रिजल्टेंट मोमेंट क्या आएगा, 30 ही आएगा। यानी कि बलयुग्म के आघूर्ण का मान, मोमेंट ऑफ कपल का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन स्थिर रखते हुए, कॉन्स्टेंट रखते हुए, देखिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, स्थिर रखते हुए बलयुग्म के बलों के मान तथा दिशा बदला जा सकता है। बलयुग्म, अब इसमें वर्टिकल लग रहा है, इसमें इंक्लाइंड हो गया, इसमें इंक्लाइंड हो गया, तो ये चेंज किया जा सकता है, ठीक। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कपल। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।